टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं पहले ये बताइए, सर्दियां कैसी गुजर रही हैं? और ज़रा आप कराची में जो है वो सर्दियां आ गई हैं, क्योंकि जब हमारी नाक ठंडी रहने लग जाए तो हम समझ जाते हैं कराची वाले कि सर्दियां जो है वो आ गई हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सर्दी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सबसे पहले मुझे ये बताइए, मेरा वार्डरोब कैसा लग रहा है आज का? ये देखें, इट्स रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल। मैं देख रही हूँ खुद, और एक डिफरेंट कट है लूज में। मैं ट्यूसडे, वेनसडे और आज भी जो मैंने ये वार्डरोब ऐड किया, मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं इस पर, लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो तीनों दिन मैंने वार्डरोब ऐड किए हैं, ये मैंने वेयर किए हैं नौशाद इमदाद के। नौशाद इमदाद की नई विमेन कलेक्शन जो है वो दो दिन बाद लॉन्च हो रही है, तो अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं नौशाद इमदाद के पेज पे जाके, और उसके अलावा इनका आउटलेट है जमजमा पे, वहाँ से भी जाके आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच नौशाद, इतने खूबसूरत वार्डरोब्स बनाने के, इतने ब्यूटीफुल आउटफिट्स हैं आपके, इतने अच्छे कट्स हैं, लूज़ कट्स में आपने जो है वो सारे वार्डरोब डिज़ाइन किए हैं। फैब्रिक इनका बहुत सॉफ्ट है, आपको पहनने में बहुत लाइट फील होता है। एंड वन मोर थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट, शीबा मुगल जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं और जो मेरी स्टाइलिस्ट हैं, थैंक यू सो मच, वो डेली डेली मुझे डिफरेंट लुक्स देती हैं, और उनका इंस्टाग्राम पेज भी है शीबा मुगल। और आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है जनाब, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको बिल्कुल एक डिफरेंट लुक मिले, एक बहुत ही क्लासी और स्टाइलिश, तो आप शीबा मुगल से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, और आप अपना इवेंट हसीन और ख़ूबसूरत और आप अपने इवेंट पे लग सकती हैं, और एक यादगार मोमेंट आप बना सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, आज हमारे शो में हम किन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। आपने नाम तो सुना होगा, एक बहुत ही फेमस फिटनेस ट्रेनर हैं, फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो मेजॉरिटी फीमेल्स नहीं, मेल्स भी उनके फ़ैन हैं, उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स, दैट वॉज टू मच सीरियसली अगर हम बात करें। और उनकी फिटनेस को देख के तो हम फ्रीक आउट हो जाते हैं, ओह गॉड क्या बॉडी है यार, किस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। एंड प्लस वो एक नया चैलेंज कर रही हैं, 42 डेज चैलेंज, उस ब्रांड को वो रन कर रही हैं, उसकी CEO भी हैं। तो ये 42 डेज चैलेंज क्या है, हम इस बारे में बात करेंगे। इनका नाम आई एम डेफिनेटली श्योर आप सब ने सुना है, नुसरत हिदायतुल्लाह। इनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, लोगों ने अपना इनको मेंटोर बनाया हुआ है फिटनेस के लिए, अपने ये सबको इन्फ्लुएंस करती हैं कि भाई अगर लड़कियां भी चाहें तो इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत और फिट बॉडी रख सकती हैं। और साथ साथ हमारे साथ आज होंगे डॉक्टर काशिफ, जो बात करेंगे आज मोल्स पे और वार्ट्स पे। मोल्स और वार्ट्स यानी कि तिल और मस्से, मस्से ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोग पसंद नहीं करते, उनको हम कैसे रिमूव भी कर सकते हैं या उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं। बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि नेक पे आपके मस्से हो जाते हैं, आपके फेस पे हो जाते हैं, ये कुछ हमारे इंटरनल बॉडी में इश्यूज़ होते हैं, हम कुछ खिलाई पिलाई अच्छी नहीं करते, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर काशिफ से, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो हम अपनी शेफ़ मुनीजा को कैसे भूल सकते हैं भाई, आज वो बहुत ही मज़ेदार से बीफ बर्गर्स बनाने वाली हैं। अब ये बीफ बर्गर्स कैसे बनेंगे और किस तरह से इसमें वो एक क्रिएटिविटी लाएंगी, ये तो हमें मुनीजा ही बताएंगी, हमारी किचन क्वीन। और साथ साथ आज हमारा सेगमेंट है दिल की बात, जिसमें हम बात करेंगे अदम बर्दाश्त के टॉपिक पर। अदम बर्दाश्त क्या है, अदम बर्दाश्त क्यों किसी की बर्दाश्त इतनी बढ़ जाती है, इतनी ख़त्म हो जाती है कि कत्लो गारत शुरू हो जाता है, आपकी बस हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कौन सा पॉइंट हमारी लाइफ में आता है जब हम अपने सोचने और समझने की सलाहियत खो बैठते हैं और हम ऐसा काम कर जाते हैं कि जिसके लिए हम ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। आप भी हमें कॉल करके बताइए कि
आपने अगर अपने आसपास में देखा या कभी आपके साथ गुस्से में ऐसा होता है कि बस दिल चाहता है कि सब कुछ ख़त्म कर लें या फिर ख़ुद को ख़त्म कर लें, ऐसा क्यों होता है? इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं इसके अलावा हम कौन सा टॉपिक रखें जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो अपनी कॉल्स के ज़रिए ज़रूर हमें बताइए। जनाब इस वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं कि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी नुसरत हिदायतुल्लाह। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग। जनाब अपनी अपनी चाय और कॉफ़ी भी लेके आप बैठ जाइए कि आज का शो बहुत ही मज़ेदार है। फिटनेस पे हम बात करेंगे, हम मोल्स पे बात करेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम अदम बर्दारी पे बात करेंगे। और साथ साथ उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एक आयशा खालिद बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उनकी एग्जिबिशन हुई है कुछ ही दिनों पहले फेयर हॉल में, तो आइए एक छोटी सी झलक आपके साथ भी शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस इवेंट की क्यूरेटर हूँ। ये आयशा खालिद का रेट्रोस्पेक्टिव है और ये बहुत अहम दिन है कराची में, कराची की कल्चरल सीन में, इसलिए क्योंकि आयशा जो है वो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद ईशान। आज का ये शो जो आयशा खालिद का रेट्रोस्पेक्टिव है, इट्स अ वंडरफुल शो। और बहुत खुशी की बात है कि हम अपने आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करते हैं और हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर लाइक HBL इसका स्पॉन्सर कर रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट विद आर्ट तो ये मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉर्पोरेट सेक्टर सपोर्ट करे और फिर आर्ट आए, तो ये एक कोलैबोरेशन जो है, आई गेस इट्स अ वंडरफुल कोलैबोरेशन। आर्टिस्ट हूँ और आई एम बेस्ड इन लाहौर। यहाँ कराची में फेयर हॉल में मेरा पहला रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है और बहुत ही एक खुशाइन बात है मेरे लिए, एक बहुत ओवरवेलमिंग बात है। कराची के लोग आर वेरी सपोर्टिव और ये जो है इवेंट हम चाह रहे हैं कि पब्लिक आए, जिसकी वजह से फेयर हॉल में किया गया। दिस इज़ अ पब्लिक प्लेस, यहाँ पे आम जो जनता आती है, आम लोग जो आते हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो आके आर्ट देखें और उनको उन तक आर्ट तक उनकी रसाई हो। ब्रिलियंट वर्क, इतना ज़बरदस्त काम किया। और आर्टिस्ट एक अलग ही, उनकी उनका विजन ही एक अलग होता है, उनकी सोच एक अलग होती है, वहाँ तक शायद हम आम लोग तो पहुँच ही नहीं सकते। खैर आई मस्ट अप्रिशिएट दिस वर्क। और साथ साथ जनाब अब वक्त आ गया है जब मैं आपको मिलवाऊंगी नुसरत हिदायतुल्लाह से, जिनके बारे में सुबह से मैं बात कर रही हूँ कि भाई एक क्योंकि बेतहाशा उनके लिए मैं वर्ड्स नहीं कह सकती, इतने अच्छे से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है हम सब के लिए, कि वो बहुत बड़ी एक इन्फ्लुएंसर हैं। तो आइए चल के वेलकम करते हैं नुसरत हिदायतुल्लाह जो कि फाउंडर हैं और CEO हैं 42 डेज चैलेंज की। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज हमने आपका वर्कआउट मिस करवा दिया सुबह सुबह बुला के लेकिन लकीली थैंक गॉड आई वेक अप वेरी अर्ली। लेकिन आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन दैट गोज रॉन्ग व्हेन माय नाइट इज हेक्टिक एंड विंटर्स में तो लाइक इट्स जस्ट वेरी वेरी हेक्टिक। विंटर्स में क्या होता है मुझे आप ये बताएं सबसे पहले तो। विंटर में आई मीन फॉर मी इट्स डेफिनेटली द एंड ऑफ द ईयर, तो सारे काम पाइल अप हो जाते हैं एंड देन वो सब आई वांट टू रैप अप बिफोर जैन व्हिच इज यू नो न्यू गोल्स फॉर द न्यू ईयर, सो एवरीथिंग इज अराउंड द क्लॉक, सो आई एम स्लीपिंग वेरी लेट एंड आई एम स्टिल वेकिंग अप अर्ली, सो इट्स व्हाट बी हेक्टिक। 7
और फिर उसके बाद वर्कआउट जिम एंड ऑल दैट? इट डिपेंड्स सो इफ आई एम ट्रेनिंग इन द जिम इट्स इन द आफ्टरनून, इफ आई एम घर पे देन इमीडिएटली लाइक आई विल ड्रिंक सम वाटर, हैव सम कॉफी एंड वर्कआउट. इफ आई एम नॉट वर्किंग आउट दैट डे देन आई विल जस्ट स्टार्ट वर्किंग, सो आई विल शावर एंड आई विल वर्क. But I have to wake up in the morning and do this because मेरे energy levels, concentration levels बहुत deplete हो जाते हैं शाम. Like मग़रिब के बाद तो कोई आप मुझसे conversation ना करो. Like you know सिर्फ मज़े की बातें करो. Like you know I can have fun after like you know sundown. Energy नहीं रहती बिल्कुल. Energy कोई creativity नहीं हो सकती. कोई calm like you know nothing that I'm like 100% with. So सुबह सुबह and बचपन से. अच्छा ये बचपन से आपके साथ. पहले मुझे ये बताइए ये इतनी फिटनेस का शौक, मैं शौक ही कहूँगी बिकॉज अगर आप जब तक शौक आप में नहीं होता आप इस हद तक नहीं जा सकते, कैसे आया और क्या सोच के? ये भी बचपन से माय फादर रियली पुश्ड बोथ ऑफ माय सेल्फ एंड माय ब्रदर इनटू एवरी काइंड ऑफ एथलेटिक. तो दो तीन चार साल की जब से हम चल रहे होंगे हमसे वो कुछ ना कुछ करा रहे थे. सो वी वर डूइंग कराटे, वी वर डूइंग हॉर्स राइडिंग, वी वर डूइंग रनिंग, वी वर डूइंग स्विमिंग, ऑल द सॉर्ट्स ऑफ बेसिक चीज़ें जो आप अपने बच्चों को छोटी उम्र से सिखा सकते हो. सो ही वॉज रियली, ही वॉज ऑल्सो मॉर्निंग पर्सन, ही हैड बिन टू अ बोर्डिंग स्कूल, सो ही यूज टू बी अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग एंड हैविंग अ कोल्ड शावर. सो दैट ऑल्सो, सो ये सब आदतें आई थिंक बचपन से आप के अंदर डेवलप हुई भी है जिसकी वजह से आपको आसानी रहती है. तो जनाब मजीद हम बात करेंगे नुसरत से लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और यहाँ पे मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू नुसरत ड्यूरिंग द ब्रेक और आई वॉज शॉक्ड जब नुसरत ने मुझे बताया कि एक वक्त था जब वो अच्छी खासी जो है वो फैटी हुआ करती थी, ठीक ठाक उनका वेट था. तो नुसरत कैसे फिर ये वेट कम किया? ये आई मीन काफ़ी कॉमन होता है स्पेशली व्हेन यंग गर्ल्स आर ग्रोइंग अप, हार्मोन्स आर चेंजिंग, सो फैट आपका गेन होता है. इनफैक्ट गेनिंग फैट इज़ अ सिग्नल टू योर बॉडी टू हिट अ प्यूबरिक स्टेज. सो इफ यूर नॉट कॉन्शियस ऑफ योर डाइट, अगर आप जंक फूड खा रहे हो और बहुत सारी लाइक बाहर की चीज़ें खा रहे हो, एट दैट पॉइंट वाई योर हॉर्मोन्स आर चेंजिंग देन इट्स गोइंग टू बी अ हॉट मेस. सो दैट्स एसेंशियली व्हाट हैपेंड विद मी. और मुझे PCOS भी हो गया उसको वेट को कम करते करते बिकॉज आई वॉज वेरी यंग एंड आई वॉज लाइक वेरी डिटर्मिंड टू मेक दिस चेंज. तो मैंने बहुत सारा वर्कआउट शुरू कर दिया और बहुत सारी क्रैश डाइटिंग शुरू कर दी एंड इवेंचुअली लाइक 155 pounds से मैं 85 pounds पे आ गई इन 7 months. And then I got PCOS. So then the doctor said to me, you have to gain weight. So I was like, अब क्या, अभी तो मैंने lose किया, अब मैं फिर से gain कर लूँ, ये कैसे हो सकता है? Anyways, I gained weight. I was 130 pounds then. And for my height, that's overweight. So I was like, अब now what do? You know, अब मेरा like, and also at the age of 16, 17, taking birth control for PCOS didn't feel right. I was very young. I was like, you know, why am I taking this birth control pill, which is the medication they give you? That's when I started researching nutrition and changed my diet almost entirely to try and fit my new condition. It was a long process. There was a lot of learning that went to it. That was the time jab aapne ye 42 days challenge start kiya? Nahi, that was at 21. Oh. So this research started when I was 17. And I was like new on the internet and I was reading everything I could. And you know, I had a great doctor who took me through my course as well, Dr. Satna. I mean, he's, mashallah, everyone knows Dr. Satna and his family. And because he's been around so long and he's so experienced, he's very careful also with, like he's not quick to over-medicate. Like he'll tell you, okay, beta, aapne apne lifestyle ke saath ye karna and then aap ye bhi le lena for a certain period of time, but not for above this period of time. I want you to find a lifestyle solution ke isse hatna hai aapne. So anyway, so that was the beginning of my journey. And now I've managed to, with diet, help so many girls with PCOS. So, yeah. अच्छा तो आप मुझे बताएं कि 42 डेज चैलेंज, आप जिसकी फाउंडर हैं और CEO भी हैं, आपने ये स्टार्ट किया, ये वाकई 42 डेज में वेट लॉस हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है बिकॉज डाइट आप फॉलो कर रहे होते हो एंड डाइट कस्टमाइज्ड होती है पर क्लाइंट. बट इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन. इट्स नॉट कि आप इतना वेट लूज कर लोगे 42 डेज में कि आपकी पूरी, अगर आप बहुत obese हो आपकी पूरी सारा ही वेट गिर जाएगा. कितना? डिपेंडिंग ऑन हाउ ओवरवेट यू आर,
कीपिंग इन माइंड कि जो बंदा इतना ज़्यादा ओवरवेट नहीं होता और उसका कम वेट होता है टू लूज़, वो स्लोली लूज़ करते हैं. सो इफ़ यू आर लार्जर द टेंडेंसी इज़ टू लूज़ फास्टर. सो 1 kg अ वीक होपफुली इंशाल्लाह फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स एंड ऑल्सो 1 inch अ वीक. सो इंच लॉस इज़ फैट लॉस. वेट लॉस ऑल्सो माइट इंक्लूड वाटर वेट. तो अगर आपका वेट लॉस हो रहा है और आप बहुत ओवरवेट हो, दैट्स नॉट अ बैड साइन. बट वी ऑल्सो वॉन्ट इंच लॉस विच इज़ फैट लॉस. तो हम वो भी मॉनिटर करते हैं. इंचेस लॉस मींस लाइक आपका फैट लॉस. यूजुअली लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हम जब वेइंग स्केल पे खड़े हो रहे हैं हमारा वेट नहीं गिर रहा, तो इट्स मीन Yes. काम नहीं हो रहा. बिकॉज योर वेट इज मेड ऑफ सेवरल थिंग्स, योर बोन्स, योर मसल, योर पानी, योर फैट, सारी चीज़ें इंक्लूड होकर आपका वेट होता है. लेकिन जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो और हेल्दी न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहे हो, देन देयर इज अ लाइकलीहुड कि आपका मसल बहुत सारा ना गिरे. इनफैक्ट आपका मसल थोड़ा इन्हांस हो जाए, फैट गिरना शुरू हो जाए. सो दैट माइट नॉट शो एग्जैक्टली ऑन द स्केल. सो इट मे सीम कि मेरा वेट नहीं गिर रहा तो मैं ज़्यादा फिट नहीं हो रही. यू नो, इवन दो आपके इंचेस गिर रहे हैं, विच मीन्स आपका फैट गिर रहा है, सो यू आर गेटिंग फिट. बिकॉज मसल पर पाउंड टेक्स मच लेस स्पेस. तो अगर मसल पर पाउंड या पर केजी इतनी जगह ले रहा है, तो फैट उससे 4 गुना जगह ले रहा होगा, तो उसका सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है. सो इवन दो लाइक आई मीन यू आर एक्सचेंजिंग लेट्स से अ लिटिल बिट ऑफ फैट फॉर मसल, योर वेट माइट नॉट चेंज बट योर होल बॉडी स्ट्रक्चर चेंजेस. बट ये ज़्यादा फोकस होता है जब आप लीननेस की तरफ आ रहे हो. इफ़ यू आर ऑलरेडी लाइक आई वाज सेइंग ओवरवेट, तो देन लूजिंग वेट इज़ ऑल्सो अ गोल. But as you're getting leaner, then losing weight is not a goal. It's then more inches. Inches. Yeah. So, ज़्यादातर किस चीज़ पे focus करते हैं आप लोग during these 42 days challenge? I mean, number one is diet. Okay. I would say. I mean, before diet is also things like आप कितना सो रहे हो, आप कितने stressed out हो, you know, hydrated आप कितने हो, ये चीज़ें आपने मॉनिटर करनी है. उसके बाद हम डाइट पे आते हैं. What are you consuming? 80% 90% of your life is your diet. True. And then movement. Which kind of diet you suggest? अब नाउ दैट्स डिफरेंट फॉर एवरी वन. एक तो हमारा एक इन जेनेरिक अगर हम बात करें इन जनरल आपने प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने. सो वाइट शुगर, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, एनीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ अ डब्बा पैक्ड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, एनीथिंग इन अ पाउडर फॉर्म आप अवॉइड. जितना वो प्रोसेस्ड होगा वो पाउडराइज्ड होगा, उसका कलर वाइट होगा, जस्ट बेसिक थिंग्स लाइक दैट. सो प्रोसेस से आप बिल्कुल हट जाओ. यू सी योर लाइफ विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव. शुगर आप हटा दो, लाइफ विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव. अगर हम अपनी लाइफ से चीनी, चावल ये चीज़ें छोड़ दें स्टार्ट में, तो बहुत फर्क पड़ता है आपको. बिल्कुल बिल्कुल. सो नंबर वन वुड बी शुगर. अगर आप प्रोसेस शुगर हटा दो, अगर आपको यूज़ करना है ए लिटिल बिट ऑफ ऑर्गेनिक हनी, 1 teaspoon, 2 teaspoons इन अ डे इज़ गुड इनफ. उसके अलावा फ्रूट में आपको बहुत अच्छा शुगर मिल रहा है, जो आपको फाइबर के साथ एंड विटामिंस मिनरल्स के साथ मिल रहा है, सो ग्रेट. प्रोसेस शुगर आप ना ही लो तो बेहतर है. उसके अलावा जंक फूड लाइक आई वाज सेइंग एनीथिंग फ्रॉम आउट ऑफ द हाउस, बी दैट प्रोसेस मीट जो हमें डब्बों में मिल रहे हैं, कबाब्स एंड पता नहीं क्या क्या, दैट्स प्रोसेस मीट, नॉट अ गुड आइडिया. प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स not like chips for example, not a good idea. White bread, not great. White oats, not good. So brown wali cheezein. Protein hamari diet mein. We'll continue. Right. And okay, fine. Thank you so much Nusrat, aapne hame bataya aur 42 days challenge ke bare mein bataya. Agar aap weight loss karna chahte hain aur 42 days challenge accept karna chahte hain, तो आप नुसरत के स्टूडियो को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच नुसरत वंस अगेन. आप सुबह सुबह आए और आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी. जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और इस वक्त सेगमेंट स्टार्ट हुआ है हुस्न का राज. और जब बात आती है हुस्न की, तो बास तेल ऐसे होते हैं जो आपके हुस्न में निखार ला देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ वार्ट्स या फिर हम कहेंगे कुछ तिल या बास मस्से ऐसे होते हैं वो आपकी फेस पे इस जगह पे होते हैं कि वो आपके हुस्न को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम कर देते हैं. तो जनाब इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अक्सर आप इस स्क्रीन पर उनको देखते रहते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त
दोस्त हैं, तो आइए मिलकर वेलकम करते हैं डॉक्टर काशिफ को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो डॉक्टर काशिफ। वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रिविलेज्ड, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है और आपका शो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, रियली नाइस एंड इट्स वेरी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर इंपार्टिंग टू द पीपल। देखिए हमारा काम है वर्दा कि हम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दें और लोगों का एक डर है ना, खौफ है काफ़ी लोगों ने, लोगों को जैसे हम आप जैसे मसलों की बात कर रहे हैं तो आज मैं आपको इंशाल्लाह कॉटरी करके दिखाऊंगा, तो अक्सर लोगों को एक बड़ा एक डर बैठा हुआ है कि पता नहीं क्या चीज़ है, करंट लगता है और ये ना हो जाए वो ना हो जाए, क्योंकि देखिए इवेंचुअली इसी से ही ठीक होता है। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे मसलों की, जी कराना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल इंस्टेंट है, बिल्कुल सही हो जाएगा, थोड़ा सा पेनफुल है बट नो गेन विदाउट पेन, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। इसके अंदर ये होता है कि जैसे मसले होते हैं या आपके चेहरे पे तिल होते हैं वो कभी कभी बगैर किसी रीजन के भी हो जाते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा। क्यों होते हैं? आपका इतना खूबसूरत चेहरा होता है लेकिन आँख के पास या फिर आपके चीक पे कोई एक मसला हो तो कितना बुरा लगता है? बुरा भी लगता है, अच्छा थोड़ा सा आपकी एज भी ज्यादा लगती है क्योंकि अक्सर ये नॉर्मली बहुत लोगों को 40 एंड अबव निकलते हैं, कुछ लोगों की फैमिलीज में होते हैं, अच्छा कुछ के रीजन अननोन है, ठीक है। मसलों का जहाँ की बात है वो वायरल वॉट्स होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं, वो इस वजह से होते हैं वायरस। हाँ वायरस, एक जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं या जिन्हों की इम्यूनिटी, वायरस देखिए फैला हुआ है पूरी दुनिया में, ठीक है। हम लोग को अपनी कुव्वत मदाफियत अच्छी रखनी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ वाइटामिन आपको ज़रूर खानी चाहिए जिसमें जिंक हो, सेलेनियम हो, वाइटामिन सी हो, नाश्ता ज़रूर अच्छा करना चाहिए। सबसे पहले कुव्वत मदाफियत आप अपनी अच्छी करेंगे तो वायरल वॉट से आप बचे रहेंगे। हम जो आपके जो तिल हैं उसके अंदर हम कुछ खास नहीं कर सकते, उसका सिर्फ ये है कि रीजन अननोन है। हाँ ये कि कॉटरी करके उसको निकाल सकते हैं, लेकिन वास तिल ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, नीवस कहलाता है वो, जी बिल्कुल वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगेन वाली बात है इसकी टाइप्स हैं, हमें देखना होता है, इवेल्यूएट करना होता है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है। कभी कभी कुछ होते हैं कि विथ एज 20 के ऊपर निकल आते हैं, कुछ लोगों के 40 के ऊपर निकलते हैं। अच्छा अगेन वाली बात है, कुछ लोग खुश हैं अपने तिल से, कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। बच्चों के भी हो रहे हैं? जी बच्चों के भी होते हैं, रीजन क्या है? बच्चों के ज्यादातर मस्से हैं, बच्चे स्विमिंग करते हैं पानी इतना साफ नहीं आ रहा है, वायरल वॉट्स कहलाते हैं वो, उसमें हो जाते हैं। और फिर वो ये होते हैं बच्चे इतने छोटे होते हैं तो वो हम कॉटरी अवॉइड ही करते हैं, उसमें हम कुछ मेडिसिन देकर कुछ क्रीम्स देकर कोशिश करते हैं, या मैं इंसुलिन सिरिंज से भी वो निकालने की कोशिश करता हूँ। एक मोलस्कम कंटेजियोसम होता है, वाइट वाइट निशान बन जाते हैं बच्चों के जो कि कंटेजियस होता है, तो वो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा क्रीम के साथ या कुछ ऐसी आइसोट्रेटिनोइन एक आती है उससे कर लें, लेकिन जो होता है कि स्टेप स्टेप बाय करते हैं फिर इवेंचुअली आपको कॉटरी करनी पड़ती है। लेकिन ये जो बात करें इसमें वाइट और रेड कलर के मोल्स भी होते हैं, और वाइट मोल्स क्या अनहाइजीन की वजह से होते हैं? कुछ कंडीशन में यस, अनहाइजीनिक कंडीशन में हो सकते हैं, ओवर क्राउडिंग से, तौलिया एक दूसरे की यूज़ के लिए तो एक दूसरे से लग सकते हैं आपको, क्योंकि वायरस होता है मोलस्कम कंटेजियोसम कहलाता है ये। ये बच्चों में बहुत कॉमन है और माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं, और ज़ाहिर बच्चों को कॉटरी करना या फोर्सेप्स से निकालना मुश्किल होता है ना, तो मैं कुछ ऑफकोर्स ट्रेटिनोइन क्रीम्स आती हैं, लेकिन अगेन वो वाली बात है वर्दा कि कुछ क्रीम्स का असर नहीं होता तो वो नहीं निकल पाते, तो उसको फिर हमें इवेंचुअली इंसुलिन सिरिंज से या फिर कॉटरी करनी पड़ती है। और ये रेड मोल क्यों होते हैं? ये भी बाय बर्थ होते हैं, ये भी विदाउट एनी रीजन भी हो सकते हैं, ये बच्चों में होता है। अच्छा अक्सर ये होता है कि विद एज ये डिसअपियर भी कर सकते हैं। हमें एक्चुअली वाली बात है ना, पेशेंट 1-to-1 मिले हमसे आकर, उसकी हम हिस्ट्री लेंगे, उसको हम पूरा असेस करेंगे, उसकी सारी चीज़ें, उसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, मदर फादर को है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप कोई एक जेनेरिक इसमें नहीं, बात नहीं इसका आप जेनेरिक बात नहीं कर सकते, इसके बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, पेशेंट की प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, और हर मोल डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ होती है नीवस होता है जो बाय बर्थ होता है, उसमें आपको बड़ी हैरानी होगी, उस पर अगर हेयर निकल आए तो वो दैट इज़ सेफ। अच्छा, अगर हेयर निकले तो दैट इज सेफ। मेरे खुद यहाँ पर है। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि अपना आपके हेयर है उसमें थोड़े से, तो वो उसका मतलब है कि सेफ है, अगर नहीं निकल रहे तो फिर आप उसको इवेंचुअली बायप्सी कराएं या कॉटरी कराएं तो उसको देखना होता है। ये तो शुक्र है हम लोग ब्राउन पीपल हैं तो हमारे में कम होता है, लेकिन जो बहुत फेयर लोग हैं, इसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, ये स्किन कैंसर्स हैं जो इस तरह की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो उस पर बड़ा ख्याल करना होता है, ख्याल करना पड़ता है। बिल्कुल सही चले जी, बहुत अच्छी बात है, हमें नहीं पता चली, आपने बताई, थैंक यू सो मच जनाब। अभी इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम करेंगे अवार्ड्स रिमूवल और कॉटरी ट्रीटमेंट करेंगे, और आप देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। नाउ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और लारेब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और इनके 3 महीने पहले फॉरहेड पे 3 मोल्स हो गए थे एक साथ,
और इसका रीजन आप थोड़ा फेस उठाएंगे, मैं दिखाना चाह रही हूँ स्क्रीन पे कि अगर नजर आए ताकि हमें पता चले कि रिमूव की बात कैसे होता है। लेकिन अच्छी बात है कि कॉन्शियस हैं ये, और ये अच्छा है, जितना जल्दी आप रिमूव करा रहे हैं उतना ही अच्छा है। मैंने अभी ब्रेक में इसमें लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया है, इंसुलिन स्टेंट के साथ। ये लिग्नोकेन होता है, ये हम स्किन के मोल या वॉट के इर्द गिर्द लगा देते हैं ताकि वो जगह एनेस्थेटाइज हो जाए, ठीक है, ताकि क्योंकि ये कॉटरी है इसमें इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा पास होता है तो ज़रा सा भी पेन ना हो पेशेंट को। एक प्रिक का पेन होता है जो आपने अपना इंसुलिन सिरिंज से लगाइए, प्रिक हल्का सा जैसे कोई चुटकी काटी है वैसा पेन होता है, और फिर वो जगह आपकी एनेस्थेटाइज हो जाती है, फिर से पेन नहीं होता। अब तो नम क्रीम्स भी आ गई हैं, दूसरी क्रीम्स भी आ गई, वो भी लगाते हैं, लेकिन मुझे ये ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें पूरी तरह से आपका एनेस्थेटाइज हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी इनको काफ़ी टाइम हो गया, एनेस्थेटाइज हो गया। ये हमारी कॉटरी मशीन है, ये हमारी पिन कॉटरी है, ये पिन को है और ये मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। पिन कॉटरी को आपने सेटिंग्स पिन कॉटरी को मैंने सेट किया हुआ है, इसका बिल्कुल मिनिमम पे रखा है इनका, और इनके जहाँ जहाँ है उस पर मैंने इसको ये देखिए ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बस टच कर रहा हूँ, बिकॉज इनका बिल्कुल माइल्ड से है और पेन तो नहीं हो रहा ला रहे अब आपको, ये देखिए मैं माइक से उठा लूँ, लारिया बताइएगा कोई पेन तो नहीं हो रहा है? नहीं बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। अच्छा बिल्कुल जस्ट एक टच, जस्ट अ प्रिक, जस्ट अ प्रिक, ये एक दफा में ही काफी है, बस एक दफा काफी है, अभी रिमूव हो जाएगा, अभी हल्के हल्के दैट्स इट। अभी मैं साइड इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, बस हां यस हमसे इवैल्यूएट करा लें एज अ डॉक्टर कि कोई बहुत ज्यादा डीप तो नहीं है, कि हमें कोई उसको बहुत ज्यादा उसको लोकल ज्यादा तो नहीं देना है। फिर हमें हिस्ट्री बड़ी ज़रूरी होती है, जैसे इनका जो है ये नॉर्मल मोल्स हैं जो कि अक्सर यंग लड़कों को हो जाते हैं, सनलाइट की वजह से भी हो सकते हैं, फैमिली में भी आपके मम्मी डैडी में से किसी को है इस टाइप के, वो भी हो सकता है, ज़रूरी ना हो कि उसमें हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा दूसरा ये है कि चूंकि लड़कों का बाहर निकलना होता है, अक्सर मैं हमेशा कहता हूँ सनब्लॉक ज़रूर लगाइए। लेकिन डॉक्टर काशिफ जो ये मस्से होते हैं, वॉट्स होते हैं, तो उनका भी सेम ऐसे बिल्कुल सेम है, मस्से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, लटके हुए भी होते हैं, और जैसे फूल की तरह उसमें ना कॉलीफ्लावर की तरह होता है। ये तो उनके सिंपल से तिल हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा आपने अगर गौर से देखिए तो ये थोड़ा सा उभरे हुए लग रहे होंगे, और अब ये हल्का के खुद ही झड़ जाएंगे। इनको मैंने की रूट से ख़त्म कर दिया है, ठीक है, ताकि की कॉटरी करके इतना पेनफुल भी नहीं। अच्छा मुझे ऐसा लगता है वर्दा कि बहुत हवा मचा हुआ है, लोग बहुत डरते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप देखें माशाल्लाह आपको पता भी नहीं चला, थोड़ा सा आपको हल्की सी चुटकी जैसा पेन हुआ होगा, वो भी हम लोकल एनेस्थीसिया ज़्यादा। अब तो क्रीम्स भी आ गई हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रिक से डरते हैं तो हम उसमें क्रीम्स लगा देते हैं जो नम कर देती है वो जगह जी, लेकिन मुझे ये बेहतर पसंद है बिकॉज ये डीप तक जाता है कि अच्छी तरह से वो हो जाए। फिर हम पेशेंट से बार बार पूछते रहते हैं आपको पेन तो नहीं हो रहा, तो इट्स वेरी ईजी, वेरी कन्वीनियंट। और मैं कहता हूँ कि जिसको ये है तिल, खासतौर पे बहुत लड़के लड़कियाँ आते हैं तिल से, एकदम से आपकी एज ज़्यादा लगती है। आप 20 साल के होंगे, आप दरमे में 35-40 के लगेंगे, क्योंकि वो तिल एक एजिंग की निशानी भी है। तो आप ये आराम से कराइए हमारे पास, आप हमारी क्लिनिक्स पर आइए। सबसे अच्छी बात ये कि पेनलेस है और फटाफट होता है, और इसमें गारंटी है कि वो जगह खत्म हो जाएगी। जनाब एक कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ, एक कॉल ले लेते हैं, किंजा की कॉल है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम किंजा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? डॉक्टर काजी से बात करवा दें? जी जी बिल्कुल, बात कीजिए। वालेकुम किंजा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। डॉक्टर मैंने आपसे पूछा तो मेरे नाम का सामको के निशान है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप आ जाइए क्लिनिक पे, प्लीज आप मुझे कोई टिप बता दें। बिल्कुल आप बिल्कुल आ जाइए, मेरा नंबर चल रहे हैं, कॉल करके आप आ जाइए। आप कराची से ही बात कर रही हैं? नहीं मैं कक्कड़ से बात कर रही हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, तो एक काम ही कर सकते हैं कि आप TV1 मुस्कुराती मॉर्निंग को अपना व्हाट्सएप पे अपनी एक तस्वीर भेज दें तो मैं आपको ट्रीटमेंट बता सकता हूँ। और ये बताइए पैदाइशी है या आपको अभी हुआ है? टाँकों का निशान है इनके ना, टाँकों के निशान है। ठीक है, तो टाँकों के निशान का तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, और उसके अंदर हम आपको भी उसमें भी इंजेक्शन होते हैं जो कि स्टीरॉयड इंजेक्शन, कीलोइडिक बन जाता है, छोटा मोटा सा आपका मसल बढ़ जाती है। ऐसा कुछ हुआ है आपका उस जगह पे मोटा सा मसल आ गया है? नहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा निशान है। ठीक है ठीक है, वो आप तस्वीर भेज दीजिए जरा, वरना एक स्कार हील जेल आ रहा है जो आपको, आप कहाँ से बात कर रही है? ये इंटीरियर साइड से कहीं बात कर रही हैं, कराची। स्कार हील जेल है ये, आप अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और एक काम कीजिएगा विटामिन सी का इंटेक ज्यादा करें। आजकल नारंगी आ रहे हैं, आजकल केले हैं, सेब हैं, विटामिन सी आप जितना यूज करेंगी आपके जल्दी हो जाएगा। और आपका कब ये स्कार पड़ा है, कितने दिन पहले पड़ा है आपका ये स्कार? 8-9 साल की थी। 8-9 साल की थी ना, तो आपको हम स्कार हील जेल बिल्कुल लगाइए। अच्छा बिल्कुल वो मत होइए कि नहीं अब ठीक हो सकता, बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। सनब्लॉक लगाइए, और ये है कहाँ पर आपके? नाक पे। नाक पर है ना,
सनब्लॉक ज़रूर लगाइए, सनब्लॉक अपनी आदत बनाइए, सुबह दोपहर और शाम आप लगाइए, और आप रात में ये जो स्कार हील जेल है वो आप लगा के सोइए। विटामिन आप ज़रूर लीजिए, उसमें विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा हो। चलें जी, थैंक यू सो मच किंजा। किंजा ने हमें कॉल की थी भक्कड़ से, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नंबर जो है व्हाट्सएप पीसीआर में दे दीजिए, ताकि फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्टर काशिप आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कर दूंगा इंशाल्लाह, इनका बगैर इंजेक्शन के हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिप। आप सनब्लॉक की बात कर रहे थे, सनब्लॉक भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं, तो कौन सा परफेक्ट होता है यूज करने के लिए? सनब्लॉक हर किसी का डिफरेंट है, इसलिए मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि हमें क्लिनिक पे आके वन टू वन दिखाएं। अब जैसे जो मैं सनब्लॉक आपको रेकमेंड करूंगा वो अलग होगा, जो इनको रेकमेंड करूंगा अलग होगा, ठीक है ना? कराची के वेदर के हिसाब से भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब जैसे आजकल थोड़ी सी ठंडक है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है ठंडक, तो मैं ज्यादातर अभी स्टेज में आप ऑयल बेस्ड सनब्लॉक यूज कर सकते हैं कि स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है। गर्मियों में हम वाटर बेस्ड देते हैं, लेकिन देखिए ये नहीं कि अब जैसे एक सनब्लॉक आपको सूट किया है अब वो आप सबको बता देंगे ये सूट किया है मुझे, वो सबको सूट नहीं कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर ही आपको डिसाइड करता है कौन सी स्किन टाइप है। और ये क्या रीजन होता है कहते हैं कि सनब्लॉक अगर हमने यूज किया है तो हमारा कॉम्प्लेक्शन डल होना स्टार्ट हो जाता है? अच्छा देखिए, वो डल नहीं होता, वो फिजिकल सनब्लॉक होता है, वो क्या करता है धूल मिट्टी है ना उसको जज्ब कर लेता है, ठीक है, उसकी वजह से आपको होता है, जैसे आप वॉश करेंगे तो वो निकल जाता है। आजकल मैं फिजिकल सनब्लॉक्स कम देता हूँ, आप फाउंडेशन सनब्लॉक्स आ गए, वो तो बड़ी जबरदस्त चीज है। उसके अंदर ये होता है आपने सनब्लॉक लगाया तो आपको स्पेशली फॉर गर्ल्स या फॉर बॉयज जिनके स्किन में थोड़ा सा निशान या धब्बे होते हैं तो वो बिल्कुल छुप सा जाता है। उसके ऊपर फीमेल्स को मैं कहता हूँ अगर आप प्राइमर लगाना चाहें या मेकअप करना चाहें तो उसके ऊपर करें ताकि आपकी स्किन सेफ रहे। तो लेकिन वो अगेन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। चलें जी, मजीद बात करेंगे डॉक्टर काशिप से लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और एक प्लीज शॉट बनाइए लारिप का। मैं दिखाना चाहती हूँ कि आप देखिए जहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है वहाँ पे कहीं कोई रेडनेस नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, और कहीं कोई पेन नहीं है। ये अपनी नॉर्मल लाइफ परस्यू कर सकते हैं, कहीं ओकेजन पे जाना है, किसी इवेंट में जाना है, ऑफिस जाना है, बिल्कुल अभी चाहें तो अपना सनब्लॉक लगा लीजिए। देखिए मैंने 3 इंच की कॉटरी की हुई है, अगर कैमरा दिखाए तो मैंने 3 जगहों पे इनकी कॉटरी की हुई है, और देखिए वो अभी से ही क्लियर होना शुरू हो गया, हल्की हल्की ये भी खत्म हो जाएगी, हल्की सी स्वेलिंग है जो कि मैंने लोकल एनेस्थीसिया दिया है, वरना वो भी ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ये एक वाहिद चीज़ है जिसकी हम एक तरह से गारंटी भी ले सकते हैं कि वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन यस, मैं पहले ट्रीटमेंट्स पे फोकस करता हूँ, और फिर ये इवेंचुअल लास्ट ट्रीटमेंट है जिसपे हम करते हैं। ट्रेटिनॉइन यूज़ कर सकते हैं आप, ट्रेटिनॉइन के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो हल्के की डीस्क्वामेट करता है, आपकी स्किन को हल्के के मूव करेगा और वो हल्के की झड़ जाएगी वो जगह। दूसरी बात ये कि परेशान मत होइए, अक्सर लोग तिल की वजह से बहुत परेशान होते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेसेस लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, मूजी नहीं है, कोई लगने वाली नहीं है, लेकिन यस आप इसके ट्रीटमेंट कराएं और फिर इवेंचुअली कॉटरी करा कर आप देखिए। हमारे आपके सामने ही पेशेंट है, इसको मैंने लोकल एनेस्थीसिया भी दिया था, फिर मैं इसको कॉटरी भी की जिसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो बिल्कुल पेनलेस था, लेकिन वो फील भी नहीं हुआ, बिल्कुल पेनलेस था, राइट लारे? जी राइट, बिल्कुल पेन नहीं हुआ, बिल्कुल। आपने तो लोकल एनेस्थीसिया भी लिया था? मैंने इंजेक्शन से इंसुलिन सिरिंज से लगा के थोड़ा सा जगह को नम कर दिया था, उसका बस शायद आपको हल्का सा प्रिक हुआ होगा, हल्का सा है ना, विच इज ऑल्सो बेरेबल, मतलब बर्दाश्त के काबिल है, लेकिन लोगों ने इतना हवा बनाया हुआ है, कॉटरी ये है, तो ये बहुत आपका मुझे अच्छा लगा सेगमेंट कि आपने अवेयरनेस लोगों को बढ़ाई है, बताई है कि इस चीज़ में कोई इतना कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा काम ही यही है जी कि हम आप सबको अवेयरनेस दें। आखिर हम बैठे क्यों हैं यहाँ पे भाई? आप मुझे ये बताइए डॉक्टर काशिप, कितनी देर में या कितने दिन में झड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगी? आज या कल में बिल्कुल हो जाएगा। मैं इनको अभी कह दूंगा कि अभी जाते हुए अपना सनब्लॉक जो ये यूज़ करते हैं रेगुलर वो लगाइए, अपनी जो बाकी क्रीम यूज़ करें, चूँकि इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है तो कुछ और, वरना मैं कभी कभी उनको देता हूँ कि पॉलीफेक्स यूज़ कर सकते हैं या कोई ऐसी क्रीम जो कि आपको लाइट नमनेस को कम करे, ठीक है। दूसरा ये कि एक अच्छी बात इसके अंदर सबसे बड़ी होती है कि उसी वक्त आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, बेस्ट चीज़ ये है कि आपको रिजल्ट इंस्टेंटली मिल रहा है। और दूसरी बात ये, अगर इसकी जगह, ये तो मोल के तिल थे, इसकी जगह कोई मस्सा भी होता तो भी यही इतना ही टाइम लगता। अच्छा, मस्से का थोड़ा सा चूंकि बड़ा होता है और मस्सा कभी कभी डीप होता है तो उसमें हम थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है हमें, ठीक है। लेकिन अगेन वाली बात है, आपने जब इंजेक्शन लगा दिया लोकल एनेस्थीसिया का, लिग्नोकेन का, तो फिर पेन नहीं होता, लेकिन ये कि एज अ डॉक्टर हमें उसकी जड़ तक पहुंचना होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा जरा ज्यादा टाइम लेता है। ये तो फटाफट हो गया, बिल्कुल आपने देखा कि सुपरफिशियल कॉटरी की उसका रिमूव हो गया, बिल्कुल आपने जस्ट एक टच जी बस टच किया, दैट्स टू टच कॉटरी है ये, और वही उसको जला के
के उसने क्लियर कर दिया, उसके रूट ख़त्म कर दिया, वो खुद ब खुद झड़ जाएगा, कुछ तो अभी क्लियर हो गया है। तो माशाल्लाह आपको आपको कैसा लग रहा है? यू फील मोर कॉन्फिडेंट? आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग को कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, चेहरे पे तेल हो तो दे फील वेरी वेरी डिप्रेस। उनकी एज एकदम से आप 20 के होंगे, आप 40 के लगने लगेंगे, क्योंकि तिल एक निशानी होती है कि आपकी एज बढ़ रही है। अक्सर लोगों को नॉर्मली 40 के ऊपर तिल होते हैं, सो डोंट वरी, उसका भी इलाज है। 40 के ऊपर वालों को भी हम कहते हैं कि आप हमसे तिल आएँ, अपनी डिस्कस करें, अपनी हिस्ट्री दें, आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो हम करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि तिल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन प्लीज़ हमें 1-to-1 दिखाएं। अच्छा, हर किसी पर ये करना नहीं होता, बिकॉज हमें टाइप देखनी होती है, टाइप देखनी होती है, और फिर क्लियर स्किन पे अगर कोई तिल आ जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। चांद पे दाग नहीं होना चाहिए ना, तो चांद तो खूबसूरत लगना चाहिए, और आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। सही बात है, और हिफाजत करनी चाहिए। आप कुछ सजेस्ट करेंगे? जैसे इनका तो आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, अगर इनकी जगह किसी को मस्सा होता तो आपको सजेस्ट करते हैं उनको कि किन चीज़ों को उनको एहतियात करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। मस्से के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चूंकि कंटेजियस होता है, ये लग सकता है दूसरों को, वायरल वॉट्स कहलाते हैं, या अक्सर बच्चों को, जैसे आप डिस्कस कर रही थी कि बच्चों को स्विमिंग में लग जाता है, या किसी एक दूसरे की तौलिया यूज करने से लग जाता है। फीमेल्स को क्यों होता है? फीमेल्स को भी हो जाता है, 30+ फीमेल्स या 40+ होती है, उनके नेक पे हो जाते हैं, आंख के पास हो जाते हैं, ये वायरल वॉट्स होते हैं। अगेन वाली बात होती है, कोई ऐसी जगह पे मेकअप आपने किसी और का यूज कर लिया, पफ हो गए, तो वायरल, हाँ ये थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि वायरल होता है ये, तो एक दूसरे को कंटेजियस का मतलब होता है कि आपको लग जाता है। मैं ये एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखें। मैं हमेशा विटामिंस का बहुत बड़ा फैन हूँ कि आपके पास प्री कॉस आती है टैबलेट, या प्लैटिनम मल्टी विटामिंस आ रही हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू योर एज एंड योर स्किन टाइप। बच्चों को मैं सिर्फ कहूँगा, क्योंकि देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, खाना प्योर नहीं आ रहा है ना, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा विटामिंस लेनी। अच्छा, हम सबके लाइफस्टाइल्स बड़े टफ हैं और बड़े ही यू नो प्रॉब्लमैटिक और स्ट्रेसफुल हैं, फास्ट भी हैं, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम भाई सुबह सुबह उठें और जूस बनाएं और ये करें, तो आई थिंक चलो विटामिन पिल ले लें। यहां पे हम वर्कआउट के लिए डेली कर रहे होते हैं, उसका टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हमें लेट्स बी प्रैक्टिकल, तो आप ये करें। लेकिन ये एक बात है वर्दा, मैं हमेशा कहता हूँ नाश्ता ज़रूर किया करें। नाश्ता आपके पूरे दिन की एफिशिएंसी, स्टूडेंट्स को मैं अक्सर कहता हूँ जिनको जल्दी होती है, सिर्फ 2 केले खा लें सुबह नाश्ते पे, द होल डे विल बी गुड। तो आपकी इम्यूनिटी आपने अच्छी रखी, आपने तौलिया अपनी अलग रखी है। एक और चीज़ भी, हाइजीन का बहुत ख्याल, कराची में स्पेशली पानी का बड़ा मसला है, तो मैं अक्सर लोग कहता हूँ कि वो आप बाल्टी में पानी निकालें, उसे फिटकरी डाल दिया करें, फिर नहाया करें। ये खारे पानी की वजह से भी हो जाता है? बिल्कुल सही कह रही हैं, खारे पानी की वजह से भी, टैंकर वाटर भी खारा पानी ही होता है, और ये तकरीबन कराची में तकरीबन बहुत फैला हुआ है, आई थिंक ऑल ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा मसला है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन मसला एक दफा हो गया तो परेशान नहीं होना है, बस आपको ये करना है कि अपना आपको तौलिया अलग रखनी है। चलें जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना अच्छा कॉटरी का ट्रीटमेंट बताया। और अब जिनको तिल है या जिनको मसे हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर काशिफ के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट कराएं, और चुटकियों में आप अपने मस्सों से और जो आपको तिल अच्छे नहीं लगते आपके फेस पे, उससे आप जान छुड़ा सकते हैं अपनी। वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, थैंक यू सो मच लारेब। और जनाब, ब्रेक के बाद बनेंगे बीफ बर्गर्स बहुत ही मज़ेदार से, क्योंकि हमें ज्वाइन करेंगी हमारी किचन क्वीन मुनीजा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Once again, welcome back after the break. और जनाब, हमारी किचन क्वीन मुनीजा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीजा। वालेकुम अस्सलाम। आपने आखिर वही ड्रेस पहना जो मैंने रात में कॉल करके आपसे कहा था कि मैं व्हाइट एंड ग्रे पहनूंगी, ब्लैक एंड ग्रे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ ऐसा होता है, मैं यही कह रही थी, लोग ये समझते होंगे। कौन कहता है कि हमने डिसाइड करके नहीं पहना, लेकिन रोजाना इत्तेफाक ऐसा कि हम लोगों के कलर सेम हो जाते हैं ड्रेसेस के, वो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शायद मोहब्बत है, दिल से दिल की राह, दिल से दिल की राह, तो यही होता है। क्या प्यारे मुनीजा, है ना, क्या बात है। क्या बना रही हैं आज? आज बन रहे हैं बीफ बर्गर्स, वो जो जूसी पैटी बनता है ना, वो आपको बनाना सिखाएंगे, इसको फ्रीज कैसे करना है वो आपको बताएंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं साथ साथ और बातें भी कर जाते हैं। हम बीफ बर्गर्स बना रहे हैं प्रॉपर। आप बीफ पैटी कौन सी वाली बनाएंगे पहले मुझे बताइए, शामी कबाब वाली पैटी बना रही हैं आप या फिर प्रॉपर बीफ पैटी बना रही हैं? बीफ बर्गर वाली पैटी जो आप जाके, जो बड़े अच्छे आजकल एक्सपेंसिव बर्गर्स आप लोग ट्राई कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं जा जाके, बिल्कुल सेम वही रेसिपी बता रहे हैं आप, ताकि घर में इकोनॉमिकल अपने बजट में रहते हुए बनाएं।
ठीक है, आपने क्या करना है, बीफ का कीमा लेना है, आप चाहें तो ज़्यादातर जो बीफ बर्गर्स जो जूसी बनता है वो उस जो गाय का जो शोल्डर का हिस्सा होता है, नेक के पास वाला हिस्सा, उसका जो लोग कीमा बनवाते हैं उसका बड़ा गोश्त कहलाता है। जी बिल्कुल ठीक है, उसका जो कीमा निकलता है वो बीफ बर्गर्स के लिए बेहतरीन होता है उसका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, उसमें फ़ैट की मिकदार भी बहुत मतलब बराबर होती है, क्योंकि उसमें गोश्त की मिकदार 80% तो 20% जो है वो फ़ैट की मिकदार होती है, तो वो जो रेशो मिलता है और जो आपका फिर वो जो पैटी बनता है तो वो बहुत जूसी फ्लेवरफुल और बहुत मज़ेदार बनता है। ठीक है, अच्छा इन केस अगर आपके पास वो पार्ट का नहीं है तो आपके पास नॉर्मल बीफ है, तो आप अगर 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम आपने बनाना है पूरा बैटर, तो आपने क्या करना है कि 80 यानी कि 800 ग्राम यानी कि आपने कीमा लेना है, और 200 ग्राम आपने कोई भी फैट ले लें, कोई भी किस्म का, इधर आप गाय का फैट ले लें वो नहीं है आपके पास, आप मक्खन ऐड कर दें वो नहीं है आपके पास, आपने 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है, उसने इसको बहुत जूसी फ्लेवर देना है और बहुत मज़े का फ्लेवर देना है। तो बहुत अच्छी चीज़ बताइए मुनीता, अपने के जूसी जो हम बाज़ार में जो हम खाना पसंद करते हैं ना, वो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे वो फ्लेवरफुल बनता है, वो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं कर रहे होते। मैं यही नोट कर रही हूँ कि आप इंग्रेडिएंट्स क्या क्या ऐड करें। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं काली मिर्च, ठीक है, वो 1 टीस्पून जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, हमने 500 ग्राम लिया है यानी कि आधा किलो हमने कीमा लिया है, ठीक है, नमक हसबे जायका जाएगा इसमें, ठीक है, रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे इसके अंदर यानी कि कुटी लाल मिर्च, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से, और गार्लिक पाउडर जा रहा है इसके अंदर। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश जो है गार्लिक आप यूज़ कर लीजिए, नो इश्यूज़, ठीक है। ये इसमें हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है, और इसमें जाएगी चॉप्ड प्याज, ठीक है, ये इसमें ऐड करके इसको हम दोबारा से चॉप करेंगे, ठीक है, दोबारा से ही चॉपराइज करेंगे। हाँ, पूरे कीमे को ये तमाम मसालों के साथ इसको हम दोबारा से चॉप करेंगे। अच्छा, लाल मिर्च भी डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, ये जाएगी 1/2 टीस्पून के करीब, और ओरिगेनो और थाइम डाल रहे हैं हम इसके अंदर, ठीक है, सही। तो ये दोनों 1/2 टीस्पून जाएगा, ये इसको बहुत अच्छा सा ओरिगेनो और थाइम, ठीक है, ये अच्छा सा फ्लेवर देगा इसको, और बहुत मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए कितनी बेसिक इन्होंने मसाले यूज़ किए हैं मुनीजा ने, और कम मसालों के साथ है ना। यूजली लोग बीफ बर्गर अगर बनाने जाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि तो गरम मसाला, तो चाट मसाला, तो तमाम मसाले जो हमारे सालन के होते हैं वो सब हम उसमें डाल देते हैं, वो पर आखिर में कुछ शामी कबाब या कोई और कबाब बन जाता है और वो देसी चपली कबाब स्टाइल बनने के बाद फिर उसके अगर बर्गर्स बनाते हैं फिर हम कहते हैं कि भाई वो मार्केट वाला टेस्ट नहीं आया, वो ही नहीं आ रहा, वो पूरा टेस्ट ही आपका देसी हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत बेसिक मसाले यूज़ किए जाएँ। और जनाब एक कॉलर भी मौजूद हैं हमारे साथ, याहिया हमारे रेगुलर कॉलर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग वर्दा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग याया, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? भाई आप दोनों को देखकर मुझे लगता है कि आप बहनें हैं, जरा डिफरेंट शक्ल की ऐसा ही है, लेकिन जो अच्छी बात है ना, दोनों बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत यानी हर वक्त फ्रेश रहती हैं, क्योंकि मॉर्निंग शो में इतना हर वक्त फ्रेश रहना इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि मुझे पता है जाहिर है आप सुबह सुबह आते हैं लेकिन अच्छा प्रोग्राम करती हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने बर्गर की बात की ना, आई वुड टॉक अबाउट द बंद कबाब। अगर जो बंद कबाब बनाना सिखाएं सिंपल सा हो, जैसे हम बंस रोल वगैरह में खाते हैं, तो ऐसा बंद कबाब बनाना सिखाएं कि मैं भी शायद अपनी बीवी के बगैर बना सकूं वो, ये एक तो मुझे ये पता है। दूसरा ये कि मुझे जो कुछ ये जो आपका आपने शायद चपली कबाब तो खैर बता दिया है, मैं चाह रहा हूँ कि आप कोई ऐसी हमें कोई सूप्स बनाना, जैसे थाई सूप है या हॉट एंड सॉर्ट सूप है, वो बनाना सिखाएं कि क्या हम मर्जी इस तरह बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। थैंक यू सो मच। चलें जी, थैंक यू सो मच। यह लगता है आपने हमारा फर्स्ट शो नहीं देखा, उसमें मुनीजा ने बंद कबाब बनाना सिखाए थे और हम सूप्स बनाना भी सिखा चुके हैं, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट है तो हम दोबारा से ज़रूर इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे रेसिपीज़ को हमारे शोज में, थोड़ा सा आगे चल के हम सूप्स भी बनाएंगे और दोबारा से आपको बंद कबाब बनाना भी सिखाएंगे। तो और मैं याया की बात पे एक बात कहूँगी कि भले हमारा खून अलग है लेकिन खून का रंग तो एक ही है ना, तो वो बात ये कि हम लोग बहने ही समझे आप हमें। अरे वाह, क्या बात की मुनीजा आपने, चलें आप जब तक चॉप कीजिए, और मुनीजा की इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और आप देख सकते हैं इतनी यमी सी डिलीशियस सी बर्गर पैटीज जूसी जूसी सी बन रही हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है स्टूडियो में, आप देख सकते हैं, और एक आवाज भी आ रही है। जैसे ही खाना हमारे सेट पे आते हैं तो कुछ मेहमान भी आ जाते हैं हमारे सेट पे जब खाना बन रहा होता है। अच्छा, मैं बता रही थी कि इसको फ्रीज कैसे करना है, तो आप कोई भी प्लास्टिक की थैली शॉपर ले लें, उसको कट कर लें, या कोई भी प्लास्टिक रैप ले लें,
ठीक है। ये मेरे पास एक जो है कटर था, रिंग था, इस तरह के रिंग्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं मार्केट में। अगर ये नहीं है तो आप अपने हाथ से भी शेप दे सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन इससे ये होता है कि एक ही लेवल के शेप के साइज के जो है वो बनते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, ये इसमें प्रेस किया इस तरीके से इसको कीमे को, और ये जो है आपके ये पैटी बिल्कुल तैयार हो जाएगा इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। तो ये इसको जूसी रखने का कोई तरीका, कोई टिप है आपके पास? बिल्कुल, आप इसको जो है इस तरीके से करके और आप इसको फ्रीज कर दें, और फ्रीजर से आपने निकाला और डायरेक्ट उसको थॉ नहीं करना, आपने डायरेक्ट फ्राइंग पैन पे आप इसको रख दें बनाने के लिए, तो ये जो है जूसी भी रहेगा, इसके जूसेस भी लॉक रहेंगे, एक ये पॉइंट। दूसरा ये कि जब आप इसको कुक कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप इसको ओवर कुक नहीं करना है। यूजली मैंने कोफ्तों में भी ये बात बताई थी और मैं आज रिपीट कर रही हूँ दोबारा से, आपने इसको इतना पकाना है कि ये डन हो जाए, समझे 8 मिनट या 9 मिनट में ये एक पैटी आपका डन हो जाएगा। उसको फ्लिप करने हैं, दोनों साइड से पका लेना है। और ये मीडियम फ्लेम पे करना है, लो फ्लेम पे? मीडियम फ्लेम पे करना है, लो पे नहीं, ठीक है। लो पे ये होगा कि ये पकता रहेगा, जूसेस रिलीज होते रहेंगे, और फिर वो अंदर से पैटी ड्राई हो जाएगा आपका, और वो कुक भी हो जाएगा, लेकिन वो जब खाएंगे तो वो बिल्कुल ड्राई रहेगा, वो जूसी नहीं रहेगा। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है, और इतना करना है कि ऊपर और दोनों तरफ कलर आ जाए इसका, क्योंकि कीमा होता है वो जल्दी बन जाता है, उसको टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और आपने इसको कुक कर लेना है, बहुत ज्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है। अगर ग्रिल पैन आपके पास मौजूद है तो आप ग्रिल पैन पे भी कर सकते हैं, जो ग्रिल मार्क्स आते हैं ना जबरदस्त आते हैं। अच्छा, जो है मैं यहाँ पे सॉस बता दूँ, हमने सॉस के लिए क्या करना है, जो बर्गर सॉस बनता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बर्गर सॉस अगर बर्गर में अच्छा ना हो तो बर्गर इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हाफ कप जो है मायोनीज लेनी है आपने, ठीक है। और ये सॉस आप बना के रख भी सकते हैं और फ्रीजर में, सॉरी फ्रिज में, ठीक है। तो ये अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता, ठीक है। कितनी दिनों के लिए हम आराम से, एक वीक से 15 दिन तक आप रख सकते हैं, ठीक है। आपने, मैंने इसमें हाफ कप मायोनीज ली, हाफ कप जो है चिली गार्लिक ली, आप केचप भी ले सकते हैं अगर आपके घर में केचप पसंद की जाती है ज़्यादा तो, ठीक है। साथ में इसमें मस्टर्ड पेस्ट जा रहा है 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है। हाफ कप आपने मेयोनीज लिया, 1 टेबल स्पून आपने चिली गार्लिक सॉस लिया, और 1 टेबल स्पून भर के आपने मस्टर्ड पेस्ट लिया, ठीक है। इन सबको मिक्स करा अच्छे से। इसमें जा रहा है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून के करीब, थोड़ा सा ओरिगेनो जा रहा है 1 पिंच, थाइम जा रहा है 1 पिंच, सॉल्ट जा रहा है इसमें 1 पिंच के करीब, ठीक है। थोड़ी सी लाल मिर्च जा रही है इसके अंदर 1 पिंच, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको, ठीक है। इन सबको आपने मिक्स करना है अच्छे से, और इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, okay. क्योंकि ये बीफ बर्गर्स को बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा ये सॉस, थोड़ा सा जो टैंगी चीज़ें होती हैं। मैं ये पूछने वाली थी कि बहुत खट्टा नहीं हो जाएगा इसमें, हमने केचप भी ऐड किया है, इसमें हम लेमन जूस भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा, आप देखते हैं अगर हम बीफ बर्गर्स खा रहे हैं तो इसके साथ हम अक्सर पिकल्स भी ऐड करते हैं, तो वो बीफ के पैटी को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करता है, थोड़ा सा सावर सा टेस्ट जो होता है ना, मैं टेस्ट करना चाहूँगी इसको। बिल्कुल, मैं आपको मिक्स करके टेस्ट करवाती हूँ, लेकिन ये बहुत मज़े का और जो है इसके साथ बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट करता है इस बर्गर के साथ। आप असेंबलिंग की तरफ जाइए, जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ थोड़ी सी मैं भी हेल्प करवा दूँ जी। ये ठीक है जी, आ जाते हैं। इसको हमने जो है आपने पैटी को टोस्ट करना है, ठीक है। उसके साथ ज़रूरी नहीं कि बर्गर को आप टोस्ट भी करें, बगैर टोस्ट किए हुए भी बना सकते हैं। आपने टोस्ट करके ऑलरेडी हल्के से रखे हुए हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। ये हमारा ऑलमोस्ट डन है, इसके ऊपर जो है, अच्छा चीज़ का स्लाइस ना हम डायरेक्ट इसके ऊपर रखेंगे, जब हमारा पैटी एक साइड से डन हो जाएगा, दूसरी साइड पे हमने फ्लिप करा, दूसरी साइड से भी डन हुआ, फिर हमने इसको दोबारा फ्लिप करा अभी, और जो है इसके ऊपर हम जो ये जो चीज़ मेल्टेड जो आ रहा होता है बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। कौन सी चीज़ यूज़ करनी होती है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ज़्यादातर जो अच्छा फ्लेवर आ रहा होता है वो चेडर का आ रहा होता है, तो वो बड़ा अच्छा ऑरेंज वाले स्लाइसेस, ठीक है। सही, ये आपने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। और आप डबल चीज भी कर सकते हैं इसको, नो इश्यूज मेरे लिए डबल चीज करके। पहले आप ये बताएं आप खाएंगी डबल चीज पे? मैं रख देती हूँ, मसला नहीं है, मैं खा लूंगी, चखूंगी जरूर, हाफ खाऊंगी लेकिन खाऊंगी जरूर, ठीक है। ये मुनीजा के हाथ के खाने बहुत मजे के होते हैं, और कल का व्हाइट सॉस पास्ता ओहो थैंक खत्म हो गया था, लेकिन मिला ही नहीं था, बहुत ही मजे का था, बहुत मजे का बनाया था, बहुत यमी बनाया था, खत्म हो गया था, मतलब ये था कि मिला ही नहीं, हमने सिर्फ एक ही चम्मच खाया था, उसके बाद हम देख रहे थे कि कहाँ गया कहाँ गया। अच्छा, और ये सारा हीरा ने खाया। अच्छा ये देखें आप, जो है ये मेल्ट हो गया है चीज़, इसके ऊपर कैसा वैसे ही टेक्सचर आया जैसे आप जो है वो पसंद करते हैं खाना। ये आपने पैटी रखा इसके ऊपर, शॉट दिखाएं प्लीज, इतना खूबसूरत लग रहा है ये मेल्टेड चीज़ और बर्गर पैटी, ओह क्या बात है। कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई बात नहीं, रिलैक्स, ठीक है, जबरदस्त। ये हमने रखा इसके ऊपर सॉस,
सॉस इसके ऊपर एक चीज़ का स्लाइस और रख देते हैं। मुनीरा, इस सॉस में आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक बार दफ़ा देखा मैंने कि कुछ ऑलिव्स भी बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करके ऑलिव्स ऐड करते हैं, रिलिश ऐड करते हैं, पिकल्स, पिकल आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल आप इस सॉस में ऐड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसको। ठीक है, आप बिल्कुल जो आपके पास पिकल्स अवेलेबल हो आप वो ऐड कर दें, बारीक बारीक चॉप करके, बारीक चॉप करके आप जो है एलपिनोज ऐड कर दें अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर सॉस रखा इस तरीके से, और अगेन मैंने जो है लास्ट टाइम जब जिंगर बनाया था तो भी मैंने सेंटर में रखा था और थोड़ा सा अच्छे अमाउंट में रखा था। ये देखिए प्रेस करेंगे, जब इसको प्रेस करेंगे तो ये जो इसकी लुक आती है ना, ये देखिए। ठीक है, ये हमने प्रेस करा तो ये हमारा जो है सॉसी यम्मी बर्गर जो है, देखिए शॉट देखिए इसका, आप क्या वो तैयार हो गया है। वाओ, ठीक है, पानी आया ना मुँह में आपके, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, तो चाह रहा मैं सभी में फौरन ट्राई कर लूँ इसको, और इसके साथ हूँ आपके वेजीज और यम्मी यम्मी से केचप, और इंजॉय कीजिए आप। तो आज कौन कौन डिनर में या लंच में अपने घर पर ये बना रहा है आप कॉल करके हमें ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच मुनीरा इतने डिलीशियस बर्गर्स बनाने के लिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, रेसिपी कार्ड ऑन एयर हो जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और कॉल करके ज़रूर बताना है आपने हमें कैसे लगे आपको आज के बीफ बर्गर। इसी के साथ ही वक्त हो छोटे से ब्रेक का, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आखिरकार अब उस सेगमेंट का वक्त आ गया है जहां हम करते हैं दिल की बात, और दिल की बात में आज हम बात करेंगे अदम बर्दाश्त पे, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में शिरकत का। पहले तो मैं आप दोनों से ये सवाल करना चाहूँगी कि अदम बर्दाश्त इतना क्यों बढ़ जाता है कि हम अपने होशो हवास खो बैठ जाते हैं, हमारी बर्दाश्त इतनी बस कैसे हो जाती है कि हम कत्लो गारत पे उतर आते हैं? बेटा, हमने ये समझा कि इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, हमारी जो बुनियाद यहाँ पे गलत हुई है ख़ासतौर से हमारे इस खित्ते के अंदर, हम समझते हैं इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, जबकि इख्तलाफ के अंदर हुस्न है और इख्तलाफ हकीकत है, दिन रात सुबह शाम ये इख्तलाफ है। अगर रब चाहता तो सबको हिदायत दे देता, सबको गुनाहगार कर देता, सबको मालदार कर देता, सबको गरीब कर देता, लेकिन रब ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जब हम होंगे तो इख्तलाफ होगा, दो दोस्त भी बैठे हुए होते हैं ना, ये कहता है यार ये खाना मंगा लो, ये कहता है ये खाना मंगा लो, ऐसा ही है ना, अरे दो भाई बहनों में ऐसे ही होगा ना, तो इसका मतलब ये कि मेरी राय होगी आपकी भी एक राय होगी, उस राय के अंदर उस इख्तलाफ के अंदर हमें कैसे एक दूसरे को अपनी मंतिक दलील के साथ अपनी बात बतानी है और हमें कैसे एग्जिस्ट करना है, यहाँ से गलती हो गई। हम ये समझे कि जी इख्तलाफ तो हो नहीं सकता, और अगर इख्तलाफ होगा तो सिर्फ खिलाफ होंगे और जो कर सकते हैं वो करेंगे, तो जब हम इस पे चले जाएंगे तो फिर यही होगा जो हमें नज़र आ रहा है, जब हम इस नहज पे पहुंच जाते हैं तो फिर ये सब होता है। मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी वजाहत की इख्तलाफ की, कि इख्तलाफ हम जब बढ़ा लेते हैं खिलाफ की तरफ पहुँच जाते हैं, एक तो होता है इख्तलाफ राय होना और एक होना खिलाफ होना, और एक नेचुरल है कि कोई भी सिमिलर नहीं हो सकता कि जी दोनों की थाट्स बिल्कुल सिमिलर हों, डेफिनेटली अल्लाह पाक ने एक ऐसा मिजाज रखा है कि उसके अंदर ये एक इंसान की यानी फितरत की हुस्न की कारकर्दगी कहलाती है कि लोगों में इख्तलाफ होगा तो नई नई क्रिएशन होगी, अगर सब सेम मिजाज के होंगे तो एक ही डगर पे चल पड़ेंगे कि एक सुस्त है एक चुस्त है, अगर सारे के सारे सुस्त बन गए तो कोई काम नहीं करेगा। सही। तो इख्तलाफ में सबसे प्यारी जो बात होती है वह होती है कि भाई वो क्रिएटिविटी पैदा होती है इंसान में, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं, यही वजह है कि शोबेजात मुख्तलिफ बनाया गया, हर एक की अपनी चॉइस होती है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, उसको चूज करके उसमें जाता है, हर एक में अपनी एक सलाहियत होती है, अपनी सलाहियत होती है, उस सलाहियत को फिर वो बरूए कार लाते हुए काम करता है, इसी को इख्तलाफ कहा जाता है। अच्छा, बात है अदम बर्दाश्त की, कि बर्दाश्त ना करना, अब बात यहाँ पे जब आती है अदम बर्दाश्त की कि जी किसी दूसरे के रवैये को बर्दाश्त ना करना, वो ज़्यादातर होता है हमारी उसमें क्लैशेस उसमें आते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे की समझे ज़रूरियात को ना समझ सकें, और हर कोई चाहे कि मेरी जो ज़रूरत है मेरी जो सोच है उस पर मुसल्लत हो जाए, मैं जिस तरह चाह रहा हूँ बस वो इस तरह करें, हालांकि हो सकता है कि वो सही या गलत हो,
और ये तो दीन ने भी इम्तिजाज रखा है बेहतरीन के बड़े बड़े मामले ऐसे हुए कि जिसके अंदर अगर किसी ने सही माने में दलील के ऊपर इख्तलाफ किया तो उसको एक्सेप्ट किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने के वाकई मुझे याद आ रहा है और ख़ास तौर पर ख़वातीन के बारे में हम समझते हैं शायद इस्लाम बड़ा इसके बारे में वो सख्त है, ऐसा नहीं है। एक दफ़ा उन्होंने मिंबर पर ऐलान फरमाया हज़रत उमर फ़ारूक ने कि भाई ख़वातीन के महर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में न रखे जाएँ, बहुत लिमिटेड रखे जाएँ। जब ये बात बयान कर चुके तो एक खातून मजमे में खड़ी हुई करने हज़रत उमर से कि आपने तो बात सही नहीं की, कुरान के मिजाज के ख़िलाफ़ है। हज़रत ने कहा कैसे कुरान के मिजाज के ख़िलाफ़ है? तो उन्होंने एक आयत पेश की, उसके अंदर आता है जिसका मफहूम ये है कि अगर तुम किसी बीवी को छोड़ चुके हो और उसको तुमने बड़ा ढेरों ढेर तुमने माल दिया है महर के अंदर तो तुम उससे वापस मत लो। वो इससे अब्दाला जोजी मकान जोजी आते तुम हैदान किनतारन किनतार कहते बड़े ढेर कि तुमने जवाहिर के जेवरात को उसको ढेरों ढेर दिए हुए, अगर तुम्हारा उससे कोई निज़ा या इख्तलाफ हो जाता तो उससे अब तलाक के बाद वापस मत लो। तो उन खातून ने कहा कि देखिए यहाँ से हमें मालूम होता है कि जब निकाह हुआ सो ढेरों ढेर उसको महर में दिया गया, कुरान कहता है उससे वापस भी मत लो, तो कुरान तो हमें इनडायरेक्टली सब इशारा मिल गया कि जी महर में बड़ा ढेरों ढेर जेवरात भी दिए जा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी लिमिटेड दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उनके इस पॉइंट को सुना और सुनने के बाद थोड़ी देर गर्दन झुका के मिंबर पर बैठे और उसके बाद बरदस्तों ने मिंबर पर सब मुसलमानों के सामने फरमाया असाबतिल मरा व अख्ता उमर कि इस खातून ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है, उमर से गलती हुई है। और अपनी गलती तस्लीम करके उन्होंने फरमाया कि भाई ठीक है अब जिसकी जो हैसियत है उसके मुताबिक वो उस चीज़ को कर सकता है। तो यहाँ से मालूम होता है कि इस्लाम तो हमें सिखाता है कि एक दूसरे की बात को सुनना समझना, खासतौर पर एक हाकिम के मनसब पर बैठा हो एक महकूम हो फिर उसकी इतनी जरूरत हो कि वो हज़रत उमर जैसे एक वो दिलेर के सामने इस तरह बात करें, लेकिन उनके पास दलील थी उन्होंने दलील पर बात की और माशाल्लाह उसको एक्सेप्ट किया गया। सही, बिल्कुल हम मजीद इस बारे में बात करेंगे लेकिन इस वक्त पर छोटे से ब्रेक का मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी जनाब वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और हम बात कर रहे थे अदम बर्दाश्त पे। तो मेरा आपसे सवाल है इमरान भाई कि हम सब इंसान हैं, हमारे पास दिमाग है, सोच समझने की सलाहियत है, हम दिल रखते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, हमें दर्द होता है, हम दर्द महसूस करते हैं, तो क्या गुस्सा हमारे दिल दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि हमारी बर्दाश्त इतनी ख़त्म हो जाए कि हम किसी को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दें? उस वक्त क्या आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं? एज ए साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि इंसान मुरक्कब है कि उसके अंदर वो सिफात हैं जो फरिश्तों से बहुत आला हैं और अल्लाह के बाद सिर्फ उसके पास है। एक तरफ इंसान इतना आला है और दूसरी तरफ वो इतना बदतर है कि वो बेरहमी का मुजाहरा कर सकता है जो जानवर भी नहीं कर सकता। ठीक है, यानी गैंग रेप जानवर नहीं करते, इंसान करते हैं। यानी वो जब बेरहमी पर उतरते हैं तो फिर वो इस लेवल के ऊपर उतरता है। देखें ये जो मेरी ताकत है ना कि मैं जो दिल चाहे कर जाऊं, मैं अपनी तमाम तकाजे पूरे कर जाऊं, चाहे वो मुझे खुराक के हों, चाहे वो मेरे आराम के हों, चाहे मेरे जिन्स के हों, चाहे मेरे ताकत के हों, ये इंसान के पास है। इंसान ही वो वाहिद मखलूक है जिस पर कानून लागू होता है। तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो ये हर काम कर सकता है जो जानवर से भी बदतर कर सकता है, लेकिन कानून लागू होता है सिर्फ इंसान पर। बिल्कुल सही बात। और जब वो इंसान कानून के दायरे में नहीं आता और जब एक माशरा उसके कानून के दायरे में नहीं लाता, बेटा मैं सिर्फ इसलिए शरीफ हूँ, इसलिए मैं सिर्फ शरीफ हूँ कि मेरे पर एक माशरे का प्रेशर है, क्योंकि मेरी एक बीवी है, क्योंकि मेरी एक बेटी है, क्योंकि मैं एक उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, राइट। अगर ये मुझे ऊपर से ये सारा प्रेशर हटा दिया जाए, क्योंकि मेरे हमारे कानून की तो कोई पासदारी नहीं ना, आपको अच्छी तरह पता है, अगर ये सारा प्रेशर हटा दिया जाए तो मेरे भी अंदर एक जानवर निकल आएगा। मुझे इंसान बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो तकाजे होंगे ना जो मुझे रोक के रखेंगे, ये दीन कुछ तो मुझे रोक के रखेगा ना, ये माँ बाप की हलाल रिस्क कुछ तो मुझे रोक के रखेगा ना। तो जब इंसान को ये पता लग जाए कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है तो वो उस जानवर से बदतर है कि वो हरकत करता है। तो कुरान तो साहब ज़्यादा अच्छा बताएंगे, कुरान कहते हैं कि ये आँखें रखते हैं देखते नहीं है, कान रखते हैं ये सुनते नहीं है, ये दिल रखते हैं समझते नहीं है, ये जानवर हैं। और फिर कुरान कहते हैं नहीं ये जानवर नहीं है, ये जानवर से भी बदतर। जानवर से आप इसकी ये बात करें जानवर से भी बदतर की, तो आप देखें आज APS के वाक़े को जो पेशावर में सानिया हुआ था उसको आज 7 साल गुजर चुके हैं और मैं कहती हूँ ये वाक़या ऐसा है कि इसका ज़ख़म कभी भर ही नहीं सकता। और वो वाक़या भी अब वही मैं यही आपकी बात को ही बढ़ाऊँगी कि जानवरों से भी बदतर बच्चों के साथ, मासूम नन्हे बच्चे उनके साथ इतनी बेरहमी से पेश आए गए, क्या कहेंगे हम, क्या कह सकते हैं? जी डेफिनेटली देखिए ये जी चीज़ें जो होती है ना एकदम इतना जुनूनी हो जाना और माउफ हो जाना, और ज़्यादातर ये होता है कि उमूमन ऐसे अफराद जो वारदातें करते हैं जिस तरह हमारे छीना झपटी होती है लूट मार होती है, तो ऐसे लोग कोई ना कोई गंदा नशा कर रहे होते हैं और उस नशे के रिजल्ट में जब उनके जो हवास होते हैं काम छोड़ देते हैं तो वो
उसके बाद अब क्या करें क्या नहीं करें, जैसे डॉक्टर इमरान ने मिसाल दी कि कुछ माशरा कुछ जो है ना वो ऐसी वो चीज़ें लागू होती हैं पर जिसकी वजह से हम रुके होते हैं नशा करने के बाद, वो फिर माशरती कोई माँ का खौफ बाप का खौफ डर या अपने माशरे का खौफ नहीं रहता तो इंसान फिर जिसको चाहे एक मोबाइल के पीछे भी कत्ल कर देता है। फिर इतनी बड़ी वारदात कि इतने मासूम मासूम खिलते गुलाब के फूलों के प्यारे बच्चे बच्चों तो चेहरा देख के ही मासूम है, उनसे तो गुस्सा करने का भी दिल नहीं चाहता। इंसान किसी इंतकामन भी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और जो दुश्मन पे भी इस्लाम ने कहा है कि अगर आप कहीं दुश्मन के मुल्क में हमला करें तो बूढ़े और मर्द और औरतें और इस तरह बच्चे इन पे हमला नहीं किया जाएगा, ख्वाह कितने भी दुश्मन क्यों ना हो लेकिन उस कौम के बच्चों पर और औरतों पर और बूढ़ों पर हमला नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो वो महारी में लड़ने वाले उनसे जंग होगी। तो आदम बर्दाश्त हमें जो है ना वो सारी लिमिट्स बिल्कुल क्रॉस करा देती है। और नशे की आदत खास तौर पर, नशा किसी भी टाइप का हो सकता है, एक तो वो नशे जो वाकई नशे लिए जाते हैं और एक नशा ये भी होता है किसी खून लेने का नशा। बाज़े लोग जो अल्लाह पनाह में रखे अल्लाह मानुल हफीज़ जो टारगेट किलर कहलाते हैं उनको तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो जब तक किसी खून ना कर उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता, वो इस चीज़ की तलाश में रहते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने ना जाने कितने कत्ल कर डाले थे और वो उसको तस्कीन मिलती थी बाकायदा। फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला आखिरी साहबी थे जिनको बाकायदा दस्तरखान बिछवा के उसने बहुत बड़ा दस्तरखान सजा के उस पर ज़िबा करवा के उनके टुकड़े करवाए, माज़ल्लाह पता नहीं क्या क्या ज़ुल्म की दास्तानें हैं। तो ये वो एक नशा था कि लोगों को खून गिरता देख के खुश होना, अपने आप को तस्कीन पहुँचाना। तो ये सारी चीज़ें हमें माशरे से अपने अंदर जो बुराइयाँ मनफी असरा मनफी थाट्स या हमारी नेगेटिव थाट्स जो हैं इनको रिमूव करने की ज़रूरत है, खासतौर पर फैमिली मैटर में। जिस तरह आपने शुरू में बात कही थी कि खुद हमारे बहनों भाइयों में आपस में झपट होती है, बहनें आपस में एकदम फाइट कर जाती हैं, लड़ पड़ती हैं। बिल्कुल, आप ये इसकी बात करें नशे की और बहनों बहनों की, अब तो औरतें भी, मर्द तो मर्द, हम औरत को भी कह रहे हैं। अभी आप देखें तो रिसेंटली एक वाकया हुआ है जहाँ पर एक औरत ने एक मर्द को कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके बेरहमी से, वो नशे की हालत में थी और बाद में उन्होंने ये चीज़ एडमिट भी की है कि उन्होंने किया, बैल्कनी से बाहर फेंक दिया। तो हम इतने ज़ालिम क्यों हो जाते हैं और ये चीज़ें क्यों नहीं रुकती, नशावर चीज़ें क्यों नहीं रोक पाते हम? ये तरबियत कौन करेगा? अच्छा रोकेगा कौन? चलिए यहाँ से शुरू करते हैं ना, रोकेगा कौन? राइट, मतलब ये सही है कि हुकूमत कोई पॉलिसी बना रही है, आजकल हेडलाइन न्यूज़ है भंग पॉलिसी आ रही है। अब ये उजागर करके मतलब अनाउंस करने वाली कहानी है कि पाकिस्तान एक भंग पॉलिसी बना रहा है और उस भंग पॉलिसी के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और उस आप मतलब आप अंदाज़ा करें कि आप कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट बता रहे ना कि यार कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, अगर आपको मेडिकल यूज़ करना है तो आपको उजागर करने की क्या ज़रूरत है? आप एंटीबायोटिक को तो ऐड नहीं चला सकते ना, राइट? तो फिर भंग का क्यों चला रहे हैं? उसका भी ना चलाएं। अगर आपको उसको एंटीबायोटिक के लिए यूज़ करनी है या पेन हीलिंग के लिए यूज़ करनी है तो हमारे यहाँ तरबियत करेगा कौन ना? बात सारी ये है कि तरबियत ना घर में है, तरबियत ना स्कूल में है, तरबियत ना मदारिस में है, तरबियत ना जुम्मे के खुतबे में है, तरबियत करेगा कौन? मैं तो बच्चे बड़े मासूम हैं, यकीन माने बच्चे बड़े मासूम हैं, नशा करने वाले बच्चे मासूम हैं, उनको कौन बताएगा सही और गलत क्या है? उनको कौन बिठा के बताएगा? कौन ऐसा बच्चा पैदा होता है जो माँ के पेट से निकल के जो है वो शराब मांगता है? नहीं है ना, कहीं ना कहीं तो उसको मिली है ना, कहीं ना कहीं तो किसी ने दी है ना। उस मासूम बच्चे को कौन ये सिखाएगा? नहीं सिखा रहे ना। इस बारे में मजीद हम बात करेंगे इमरान भाई कि आखिर वजह क्या बनती है कि इंसान इतना जालिम हो जाता है, कहाँ जाके हमारी सोसाइटी की गलती है, हमारी घरों में गलतियाँ हो रही हैं, हमारे मदारिस में गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ ऐसी गलती है जहाँ पे बंदा इतना बेहिस हो जाता है, इतना जालिम हो जाता है? मजीद इस बारे में बात करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसी क्या वजह होती है, आखिर गलती इंसान कहाँ कर देता है? क्या आपकी गैदरिंग सही नहीं होती जहाँ पे माँ बाप नज़र नहीं रख पाते? क्या माशरा हमें इतना संगदिल बना देता है कि हम कत्लो गारत पर उतर आते हैं? इतना गुस्सा हमें आ जाता है कि हम सही और गलत की पहचान भूल जाते हैं? तो अब मैं आप दोनों से पूछूंगी कि हम इस चीज़ को सही कैसे कर सकते हैं? अगर हमें इतना गुस्सा आ रहा है तो हम कैसे उस पर कंट्रोल और काबू पा सकते हैं? कुरान की आयत है, लाइक रहा फिर दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, अपने उनके माबूदों को बुरा ना कहो कि ताकि वो तुम्हारे रब को बुरा ना कहें। कौन ये पसंद करेगा कि अपने माँ बाप को खुद गाली दे? उन्होंने कहा जी मैं कैसे अपने माँ बाप को गाली दे सकता हूँ? जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे और वो पलट के तुम्हें माँ बाप को गाली देगा तो दरअसल तुमने अपने माँ बाप को गाली दी कि तुम वजह बने हो। ये वो सारी बुनियादी चीज़ें थी ना जो हमने बतानी छोड़ दी है। हमें यही बेसिकली, और दूसरा क्या ये फैसला मैंने अपने पास ही करना है या कोई और भी है मुझसे बड़ा? क्या आखिरत पे भी मुझे यकीन है या नहीं है? अगर मुझे फ़ैसला अपने हाथ में ही करना है तो फिर ये फसाद ही फसाद होगा। रही मैं अगर बर्दाश्त भी कर रहा हूँ तो मैं सब्र नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट गलत है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो हम सब्र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना, सब्र का मतलब ये है कि मैं फैसला मैंने अपने हाथ में नहीं रखा,
मैंने रब के हाथ में रखा हुआ है, लेकिन मैं फैसला खुद करना चाहता हूँ, अभी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब एकदम से आप और जब वो बर्दाश्त जमा होते हो, क्योंकि मैंने फैसला तो ऊपर देना ही नहीं है ना, तो मैंने अपने ऊपर रखना है, मैंने इतना दबाव अपने दबाव रखना है कि फिर जो मैंने पटना है, फिर वो मैंने ऐसे ही बेरहमाना तरीके से पटना है जिसकी तरफ आप कंटिन्यूसली इशारा फरमा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर एक बंदे को अफू और दरगुजर सिखाना शुरू कर दें, तरतीब भी सुन लें अल्लाह ताला की, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, पहले सब्र करो फिर नमाज पढ़ो, अरे आप अंदाज़ा करें ना कि क्या तरबियत है, सिर्फ और सिर्फ तरबियत का फुकदान हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तरबियत का फुकदान हो रहा है, मेरी भी अपनी तवज्जो उस तरफ नहीं है कि मैं अगर किसी की इतनी सी गलती पे इतना बड़ा रिएक्शन कर रहा हूँ, किसी की इतनी सी गलती के ऊपर सारी दुनिया में बदनाम कर रहा हूँ, तो उससे भी बड़ा गुनहगार हो रहा हूँ, और फिर अपने आप को मजलूम भी समझ रहा हूँ, है ना, फिर अपने आप को ये भी समझ रहा हूँ कि जी मैं विक्टिम हूँ, जबकि मैंने उसको इतना नुकसान पहुँचा दिया है, और फिर फैसला मैंने अपने हाथ में रखना है अगर, तो फिर तो ये माइट इज़ राइट होगा, फिर तो जंगल का कानून होगा जो इस वक्त चल रहा है। मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बताऊँगा कि एक तो कुरान करीम ने उसूल रखा है, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या औली अलबाब, तुम्हारे लिए किसास के अंदर इन कंपनसेशन के अंदर ज़िंदगी है ए अक्लमंदों। एक तो जब तक कि जो अल्लाह ने नेचुरल जो हमारी वो रखी है कि सज़ाएँ गिरफ्त कि वो ना हो, तो उस वक्त तक फिर इंसान आज़ाद समझता अपने आपको करने के बाद कि मैं पैसा से देकर छूट छुटा जाऊँगा। किसास सिर्फ ये नहीं कि कत्ल के बदले कत्ल, बल्कि जिसने जितना जुल्म किया, किसी की आँख फोड़ी, कान काटा, हाथ काटा, तो उसको इतनी पूरी सज़ा दी जाए और पब्लिकली दी जाए ताकि दूसरे लोग उस चीज़ से बचें। और जिन ममालिक में ऐसा होता है वहाँ पे लोग बहुत जराइम से बचते हैं, जिस तरह आपने कहा नशे से कैसे बचा जाएगा, तो बहुत सारे कंट्रीज़ है वहाँ पे नशा अगर पकड़ा जाए तो कत्ल कर गर्दन उड़ा देते हैं, तो वहाँ पे नशे के आपको आदमी मुजरिम भी नहीं मिलेंगे, ना पुलों के नीचे ना गलियों में चीज़ें भी नहीं मिलेंगी, तो वहाँ रेशो कम होगा उनका। तो एक बात तो ये कि उसमें सही माने में अगर अल्लाह की नाफिज़ करदा या नाजिल करदा सज़ाएँ नाफिज़ हो जाएँ तो उससे सुकून होगा। और दूसरी बात ये कि कुरान ने भी फरमाया ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहरा बिसूई मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम, कि अल्लाह पाक को कोई भी बुरी बात का जहर खुल के करना पसंद नहीं है, इल्ला मन ज़ुलिम, हाँ जिस पर जुल्म हुआ, तो मतलब ये कि जिस पर जितना जुल्म हो उसके उसको बराबर उसको सामने वाले को पनिश दी जाएगी। तो ये कानून अगर नाफिज हो जाए तो खुद ब खुद सारा अमन सुकून हो जाएगा, उसको पता होगा कि मुझ पर अगर जुल्म हुआ है तो उसकी सज़ा उसको मिलने वाली है, जब अगले बंदे को पता है कि उसको सज़ा नहीं मिलनी तो फिर वो खुद ब खुद उसका इंतकाम का जज्बा भड़कता है, फिर नस्ल अंदर नस्ल मुंतकिल होता है, कि बहुत से हमारे जो कबायली इलाकों में होता है कि एक ने कोई जुर्म किया तो उसका खमियाजा पूरी आगे आने वाली नस्लें भुगतती हैं। तो ये इस्लामी जो कानून हमारे यहाँ माशरे में नहीं है, ना इंडिविजुअल है और ना कलेक्टिवली है, तो उसकी वजह से सारा ये डिसऑर्डर हुआ पूरा सोसाइटी के अंदर, कोई कंट्रोल किसी का नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर की और हमें सिखाया, हमें बताया कि हम किस तरह से अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। और मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी इंसान होने का सबूत दीजिए, इंसानियत का सबूत दीजिए, इंसानियत को ख़त्म ना कीजिए। हम सबसे यही दुआ करेंगे आखिर में कि अल्लाह ताला हम सबको अफ़ो दरगुज़र की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। जनाब इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है ख़त्म, कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे, देखते रहिएगा मुस्कुराते मॉर्निंग।